हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बेरोके के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो मन रहा। तो बात करते हैं यहाँ पे इंडिया का मिनी फेस्टिवल यानी वुमेन्स प्रीमियर लीग जो कि स्टार्ट हो चुकी है, जो कि सीजन 2 चल रहा है, जहाँ वर्ल्ड क्रिकेट के बेस्ट प्लेयर खेल रहे हैं। सभी टीम्स में एक से एक दिग्गज प्लेयर भी है। तो बात करते हैं टूर्नामेंट के 14वें मैच की, जो कि खेला जाएगा यूपी वॉरियर वुमेन्स और डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस वुमेन्स के बीच में। यह मैच 7 मार्च को दिल्ली अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करें तो जहाँ पे मैच के दिन मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 51% रहेगा और टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात कर देंगे विनिंग परसेंट रखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 43% जीतने का चांस है, क्योंकि बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 57% जीतने का चांस है। अब बात कर देंगे एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 164 है, वहीं सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 155 है। क्योंकि आगे बात करें दो टीमों का हेड टू हेड चेक करें, जहाँ पे यूपी वॉरियर वुमेन्स 2 मैच जीत के आ रही है, वहीं पर मुंबई इंडियंस वुमेन्स 1 मैच जीत के आ रही है। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन की जानकारी चाहिए, स्क्रीन पे हमारा वीरू भाई का नंबर दिया हुआ है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनका काम काफी अच्छा चल रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी उनका टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अगर बात करते हैं पहली टीम यानी मुंबई इंडियंस का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पे पहले WPL की चैंपियन मुंबई इंडियंस इस साल भी लगातार मैच जीत कर अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। टीम अब तक 4 मैच खेले, जिसमें से 3 मैच जीत के आ रही है। टीम पॉइंट टेबल नंबर 2 पे स्टेबल है। वहीं लास्ट गेम में जहां पे टीम RCB को हराया था, जहां पे ओपनिंग में बात करें तो यशिका भाटिया वेस्ट इंडीज के हाईली मैच हुए है, जहां पे यशिका ने पिछले मैच में 121 रन बनाकर टीम के लीडिंग रन स्कोरर भी है। दोनों ने अच्छा स्टार्ट भी किया था मैच में। वहीं नंबर 3 पर जहां पे इंग्लैंड की टीम के स्टैंडिंग कैप्टन नेट साइवर्ब्रून जो कि खेल रही है, वहीं पे मिडिल ऑर्डर में जहां पे अमेलिया कर जो कि अच्छे फॉर्म में चल रही है। बॉलिंग में जहां पे पूजा वटसागर जो कि 2 विकेट लिए थे, यहां पे इसी वॉन्ग इस वक्त अच्छे फॉर्म में चल रही है। अमेलिया कर भी पिछले मैच में 7 विकेट लेकर टीम के लीडिंग विकेट टेकर भी है। जहां पे शाखा इशाक स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट में, वहीं पर नेट साइवर्ब्रून जो कि टॉप क्वालिटी स्पेल डाल रही है। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग नेम देखते हैं, जहां पे हेली मैथ्यू हुए यशिका भाटिया जो कि विकेट कीपर है, नेट साहब ब्रूंट है, अमेलिया केर है, अमनजोत कौर है, पूजा वत्सकार है, इसी ओंग है, एस सजना, एस कीर्तना है, हमारिया काजी है, साइका इशाक है। कुछ की प्लेयर की बात करें जो कि अमेलिया केर है, यशिका भाटिया, नेट साहब ब्रूंट है। अब बात करते हैं दूसरी टीम यानी यूपी वॉरियर वुमेन्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं टीम ने पहले 2 मैच हारने के बाद अगले 2 मैच जीतकर टूर्नामेंट में कमबैक किया, लेकिन लास्ट गेम में RCB से हार मिली थी। टीम पॉइंट टेबल नंबर 4 पे स्टेबल है। ओपनिंग की बात करें यहाँ पे कैप्टन एलिसा हेली एंड किरण नायगरी है। एलिसा ने 5 इनिंग में 139 रन बनाए। नंबर 3 और 4 पे एक्सपीरियंस जहाँ पे चमारी अथा पतु और ग्रेस हैरिस खेल रही है, जहाँ पे ग्रेस की टीम लीडिंग रन स्कोरर भी है। उन्होंने 5 मैच से 158 रन बनाई थी। वहीं लोअर ऑर्डर में जहाँ पे श्वेता शेरवाद एंड दीप्ति शर्मा है। बॉलिंग में जहाँ पे टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है हर एक मैच में, जहाँ पे बॉलिंग डिपार्टमेंट में सोफी एलेस्टोन लगातार विकेट भी ले रही है, जो कि 5 मैच में 7 विकेट लेकर वो टीम के लीडिंग विकेट टेकर भी है। दीप्ति शर्मा राजेश्वरी गायकवाड़ की जोड़ी जो टाइम पर विकेट भी लेने में एबल है, जहाँ पे अंजलि शर्मा ने इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म में चल रहा है। अब बात करते हैं इनके प्लेइंग 11 देखते हैं, जहाँ पे चमारिया था पतु है, हैसली एलिसा हैसली जो कप्तान है और विकेट कीपर भी है, किरण नायगरी, ग्रेस हैरिस है, श्वेता शेरावत है, सायमा ठाकुर है, सोफी एलेस्टोन है, दीप्ति शर्मा है, राजेश्वरी गायकवाड़ है, पूनम खेमर है, अंजलि और शेरवानी है। कुछ की प्लेयर की बात करें तो एलिसा हैली है, ग्रेस हैरिस है, सोफी एलेस्टोन है। अब बात करते हैं फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज़ पर डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं चलते हैं विनर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग आज का मैच विनर यहाँ पे यूपी वॉरियर वुमेन्स होगा, यहाँ पे मुंबई इंडियंस वुमेन को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।